नमस्कार दोस्तों, बहुत ही एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर खुद माननीय मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट श्रीमान नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में यह दोस्तों उन्होंने खुद इसके ऊपर एक जानकारी दी है। तो मैं आज उसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि यह कौन सी जानकारी, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर बातें बताई हैं, ऑल ओवर इंडिया को उन्होंने संदेश दिया है लोकसभा के माध्यम से। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लेके आता रहता हूँ। तो इसी बात वीडियो को लाइक का बटन जोर से दबाइए और उस वीडियो को शेयर करिए अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप लोग चलाते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पर फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। श्रीमान नितिन गडकरी जी ने वहाँ पर लोकसभा में एक वहाँ पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इस बारे में पूरा प्रकाश डाला हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अभी आप लोगों को कठिन टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके दिशा में सभी एक RTOs में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की निर्माण हो रहा है, जिसपे अभी टेस्ट आप लोगों के लिए लिए जाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर टेस्ट में भी आप जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ट्रिकी आने वाले हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वहाँ पर अब आप लोगों के लिए सिंबल्स के अलावा और क्वेश्चन भी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन द कंप्यूटर टेस्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीमान नितिन गडकरी जी ने जो वहाँ पर जानकारी दी है उसके हिसाब से अब आप लोगों के लिए 69% का क्राइटेरिया रख दिया गया है। अगर आप लोग 69% क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते हैं इन द ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, चाहे वो कंप्यूटर टेस्ट हो, माफ कीजिए, कंप्यूटर टेस्ट में ही 69% जो है आपको फीसद अंक प्राप्त करने पड़ेंगे एक ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर जो ड्राइविंग का स्किल टेस्ट होता है यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, उसमें भी आप लोगों को अभी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। तो जोर का मतलब ये है कि आप लोगों को अच्छे से ड्राइविंग सीखनी ही होगी, तभी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा आपको। तो उन्होंने लोकसभा में ये बातें जो बताई हैं, 69% का मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए अगर आपको वहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक कंप्यूटर टेस्ट में, तो आपको कम से कम 7 क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही हैं, 7 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए तो इतना आपको करना पड़ेगा तभी आप वहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे नया ड्राइविंग लाइसेंस और पास हो पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में। तो ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी है जिसको वहाँ पर नितिन गडकरी जी ने खुद बताया है कि हम जो हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को कठिन करने जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जो स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी दी है उसमें ये बोला है कि उनको 8 शेप मिलेगा ड्राइविंग करने के लिए, टेस्ट ट्रैक जो होंगे 8 के शेप में होंगे, जैसे कि 8 का जो हमारा वहाँ पर नंबर होता है उसके हिसाब से शेप होगा टेस्ट ट्रैक का, उस पर आपको ड्राइविंग करके दिखानी पड़ेगी। इंडिकेटर्स का उस लाइन पर नहीं जाना चाहिए आपका व्हील्स, और आपका पैर वहाँ पर नहीं टच होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं बारीकियाँ वो आप जानते ही हैं। वो भी उसके अलावा आपको बैक करके अभी दिखाना पड़ेगा गाड़ियों को, अगर आप 4-व्हीलर चला रहे हो तो आपको बैक भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा देश में स्किल्ड ड्राइवरों की कमी की वजह से निरंतर जो दुर्घटनाएं हैं भारत में वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, सड़कों पर अच्छे से अच्छे ट्रेन ड्राइवर्स को उतारने के लिए भारत सरकार नित नए नियमों को जोड़ रही है ट्रांसपोर्ट में। तो उसी की कड़ी में अब ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, टेस्ट काफ़ी हार्ड लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, अगर आप भी नए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। उसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल बातचीत सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ पर जाकर हमको आप फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं ट्विटर कर माध्यम से, जो कि यहाँ पर आपकी हम प्रॉब्लम उसको मिनिस्ट्री तक पहुँचाते रहते हैं। तो वहाँ पर आप लोग हमको फॉलो करके कोई भी ट्वीट करिए और मेंशन करना मत भूलिए @TinkaLalokji मोर्थ इंडिया को और अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, और ट्वीट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।